अदिन्न पूर्वक नामक ब्राह्मण के एक मत्त कुंडली पुत्र था। अदिन्न पूर्वक इतना स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधो साधो साधो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, वर्षावास काल में ये विशेष धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज हम मुंबई के बदलापुर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। विशेषतः यहाँ मुंबई के बदलापुर वेस्ट में ये दत्त विहार संकुल में जो निकम परिवार है ये घर में आज का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। श्रद्धावान उपासक श्याम राव, श्रद्धावान उपासिका दीक्षा, सुपुत्र निखिल प्रमुख, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं उपासिकाओं के उपस्थिति में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। सर्वप्रथम हम अपने आदर्श भगवान बुद्ध को पूजा करेंगे, उसके बाद बुद्ध धम्म संघ को वर्णन करते हुए पंचशील प्रार्थना करेंगे, उसके बाद भगवान बुद्ध के आशीर्वाद परित्राण श्रवण करेंगे और धम्म देशना सुन के ये आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम ये जो निकम परिवार के उपासक श्याम राव सामने आइए, ये फूल द्वारा भगवान बुद्ध को पूजा कीजिए। पंते को एक फूल देके वर्णन कीजिए जी, एक फूल पंते को भी देके वर्णन कीजिए। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। या दीक्षा निकम उपासिका समोर आई भगवान बुद्धाला पूजा करा। एक फूल यहाँ भी देखे वर्णन कीजिए। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। यह निकम परिवार चा मुलगा निखिल, बाकी उपासक उपासिकाएं अंत में पूजा करेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधो साधो साधो। अरहं सम्मा संबुद्धो, भगवाबुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता तम्मो, स्वाखातो भगवता तम्मो, तम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो श्रावक संगो, सुपतिपन्नो भगवतो श्रावक संगो, संघं नमामि।
आप लोग शील प्रार्थना करेंगे या पीछे पीछे बोलेंगे? हाँ, शील प्रार्थना के लिए जैसा मैं कहता हूँ आप लोग कहते जाइए। ओ काश वंदामि भन्ते द्वारतयेन कतं सब्बं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं तं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे पान्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेदमने शिक्षापदं समादियामि आदिन्नदाना वेदमने शिक्षापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमने शिक्षापदं समादियामि मुसावादा वेदमने शिक्षापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेदमने शिक्षापदं समादियामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन सम्पादेत। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी परित्राण पाठ श्रवण करने वाले हैं, परित्राण सुन रहे हैं।
परिसमंतो ताइति रखतिति परितं। जीवन में चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधाएं भय अंतराय समस्याओं से जो आरक्षण देता है सुरक्षा देता है वो परित्राण है। परित्राण भगवान बुद्ध के सत्यवाणी है। परित्राण भगवान बुद्ध के करुणावाणी है। परित्राण भगवान बुद्ध के मैत्रीवाणी है। बुद्ध बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांत चारिका करते हुए जो बुद्ध उपदेश देते हैं वही उपदेशों का संग्रह ये परित्राण है। इसलिए ये परित्राण सुनना भी मंगल है पुण्य है। अगर परित्राण को अच्छे से समझ के पालन करेंगे तो हम दुख मुक्ति के मार्ग पर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये परित्राण पाठ अभी करते हैं। इस परित्राण के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए ऐसी कामना करते हुए परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण सुनने के लिए तीन बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु आत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस सुनन्तु सगमोकदां धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजातरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरिषधम्मसारथि सत्तादेव मनुषाणां बुद्धो भगवायिते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको यहि पाशिको ओपनायिको पाचतं वेदिताब्बो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो श्रावकसङ्गो उजुपतिपन्नो भगवतो श्रावकसङ्गो न्यायपतिपन्नो भगवतो श्रावकसङ्गो सामिचिपतिपन्नो भगवतो श्रावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरिषयुगानि अथ पुरिषभुगला एष भगवतो श्रावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुतरं पुञ्जाखेता लोकसाते एतेन स च वज्रेण श्रोतिते होतु सर्वदा एतेन स च वज्रेण सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन स च वज्रेण होतु ते जय मङ्गलम् करणीयमर्थकुशलेन यन्दं शान्दं पदाङ्गभिषमे च सकोजो च सुजो च शुभचो च समुद्वनतिमानि सन्धो सको च सुवरो चापकेचो च सल्लौकौ दे सन्धेन्द्रियो च निपको चापगब्भो कुलेषु अननुगेद्धो
नथकूतं समाचरे किञ्चि येन विञ्जो परे उपवदयुं सुखिनो वा केमिनो वन्तु सभे सत्ता भवन्तु सुखिता एकेचि पानभूता ते दशा वा तावरा वा अनवशेषा दीघा वा एव महन्ता वा मच्छिमारसकानुकतुला देता वा एवा देता ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवे सेवा सभे सत्ता भवन्तु सुखिता न परो परं निकुबेत नाति मन्येत कतचिनं कञ्चि व्यारो सनापतिकसंज्ञानन्यमन्यस दुःखमेच्छय माता हितानि अम्भूतं आयुषा एकभूतमनुराके एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमानं मेतं च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमानं उदङ्गदो ततिरियञ्च असंवादङ्गवेदङ्गसपतं तेतं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावत् स विगतमिदो एतं सतिङ्गादित्य ब्रह्ममेतं विहारांगितमाहो देतिं चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं न हि जातु गभशय्यं पुनरेतेते एतेन स च वज्रेण शोतिते ओतु सर्वदा एतेन स च वज्रेण सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन स च वज्रेण ओतु ते जय मङ्गलं दुःखपता च निदुःखभयपता च निभया शोकपता च निःशोका वन्तु सभेऽपि पाणिनो एतावता च मे संवदं पुण्यसंवदं सभे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्ध्या दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता सभे बुद्धा बलपता पचेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च बुम्मत्ता देवानागमहितिगा पुण्यङ्गं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं आकाशता च बुम्मत्ता देवानागमहितिगा पुण्यङ्गं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशता च बुम्मत्ता देवानागमहितिगा पुण्यङ्गं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी थोड़ी देर धम्म देशना सुनेंगे। पुण्यं चे पुरिशो कैरा कैराते तं पुनः पुनः तं मिछन्दं कैरात सुखो पुण्यसौचयो। महाकारुणे तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं से पुरिशो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, ये शरीर से अच्छा करना चाहिए, ये वाणी से अच्छा बोलना चाहिए, ये मन से अच्छा सोचना चाहिए। कम से कम शरीर से अच्छा न कर सके तो बुरा न करे, हिंसा न करे, चोरी न करे, व्यभिचार न करे। कम से कम वाणी से अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा ना बोले, झूठ ना बोले, चुगली ना करे, निंदा चर्चा न करे, एकदम कड़ा अपशब्द गाली गलौज के शब्द ना बोले। और मन से भी अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा ना सोचे, लोभ लालच से दूर रहे, द्वेष दुराभावना से दूर रहे, मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास से दूर रहे। तो बुद्ध कहते हैं, कैरा थे तं पुनः पुनः, पुण्य तो करना ही चाहिए परंतु बार बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। एक बार किया बस हो गया करके नहीं बैठना, बार बार बारंबार करना चाहिए। ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? बुद्ध कहते हैं, सुखो पुण्यस्य उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। ये पुण्य करके जो सुख मिलता है केवल क्षणिक नहीं रहता, अभी भी सुख, बीच में भी सुख, अंत में भी सुख देता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, इंसान को पुण्य करना चाहिए और बार बार बारंबार करना चाहिए। हम कार्यक्रम के प्रारंभ में महाकारुणिक तथागत बुद्ध को पूजा किया, फिर बुद्ध धम्म संघ को नमन किया। तथागत बुद्ध के समय में एक अदिन्न पूर्वक नामक ब्राह्मण के एक मत्त कुंडली पुत्र था। अदिन्न पूर्वक इतना कंजूस, करोड़ों धन संपत्ति है परंतु कंजूस इतना कि उससे पैसा छुटता ही नहीं, खर्चा ही नहीं करता। उसके एकलौता पुत्र अभी अभी जवानी हुआ था, बीमार पड़ गए, पर खर्चा होगा ये सोच के उसने दवाखाना तक नहीं लेके गया, वैद्य के पास तक लेके नहीं गया, बस गर्म पानी पिला दो ठीक होगा करके ऐसे वैसे ही। जब बीमारी ज्यादा ही बढ़ने लगा तो बच्चे के माँ भी चिल्लाने लगे, क्या मेरे बेटे को बिना दवा करके ही मारोगे, क्या कुछ करो। उल्टा वो अदिन्न पूर्वक ब्राह्मण चिल्लाते हैं, अरे तुम ऐसे ही चिल्लाते रहते हो और ये नहीं देखते कि इसमें मेरा पैसा खर्चा हो रहा है, ठहरो मैं कुछ उपाय करता हूँ। वो गया वैद्य के पास और पूछा कि ऐसे ऐसे बीमारी हुआ तो क्या दवा करना चाहिए। अब पूछने को पैसा नहीं लगता, बीमार को लेके गया तो पैसा लगता है, फीस लगता है। तो वैद्य ने भी, अरे इतना पैसा होके भी इतना कंजूस हाँ कि केवल पूछने के लिए आया, अमुक अमुक पेड़ का पत्ता उबाल के पिला दो, ऐसे ही बोल दिया। तो वो तो बहुत खुश, न पूछने को पैसा गया न वो पेड़ के पत्ते के लिए पैसा गया, पेड़ का पत्ता लेके लो ये उबाल के पिला दो। अभी वो उबाल के पिला दिया, वो दवा थोड़ी न था और बीमारी बढ़ गया, अब मरने मरने जैसा हो गया। उसको लोग देखने के लिए घर के अंदर ना आए करके सबसे नीचे दरवाजे के पास ही रख दिया। मरने वाले है बच्चा, उसको इतना पिताजी के प्रति गुस्सा द्वेष, अरे इतने पैसे वाले घर में मेरा जन्म हुआ, एकलौता पुत्र मगर बिना दवा करके ही मुझे मार रहे करके पिता के प्रति असीम द्वेष दुराभावना। ऐसे में तथागत बुद्ध वहां से गुजर रहे थे, वो मत्त कुंडली को दर्शन देने के लिए आ गया और मत्त कुंडली भगवान बुद्ध को देख के इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, अरे अंतिम समय में मेरा बुद्ध के प्रति मतलब दर्शन हो गया, अब मैं बुद्ध धम्म संघ के शरण जाता हूँ करके प्रसन्न होके बुद्ध को याद करते 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 ही वो मर गया। देखो पिता के प्रति इतना गुस्सा था, वो सारा गुस्सा एक तरफ, बुद्ध के प्रति श्रद्धा रख रख के मर गए तो चित्त
अच्छे जगह पे था तो अच्छे तरंग से उसको सुगति लेके गया। जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, धम्म नहीं किया, मगर अंतिम समय में बुद्ध का दर्शन करने मात्र से भी वो सुगति पहुंच गए। तो हम तो बुद्ध का दर्शन भी करते हैं, बुद्ध का पूजा भी करते हैं और बुद्ध को अनेक तरह से बुद्ध का शरण जाके हम वो पालन करने की कोशिश भी करते हैं। तो हमारा तो कल्याण होना ही है, इसलिए भगवान बुद्ध को अच्छे से जानिए, धम्म को अच्छे से जानिए, संघ को अच्छे से जानिए और जितना हो सके उतना व्यवहार में भी पालन कीजिए, बहुत कल्याण होगा। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, गृहस्थ जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए हमें कम से कम पंचशील पालन करना चाहिए। हाँ बोलिए, साधो साधो साधो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, हर कोई घर गृहस्थ में सुख शांति पूर्वक रहना चाहते हैं। तो ऐसा है तो ये जो हम पंचशील प्रार्थना करते हैं उसको अच्छे से पालन करना चाहिए। एक समय तथागत बुद्ध तम प्रचार प्रसार करते करते एक गांव में पहुंचते हैं। वहाँ ढेर सारे लोग जमा होते हैं और बुद्ध से वही लोग पूछते हैं, भगवान हमने आपका बहुत सुना है और हमने ये भी सुना है कि आपके उपदेश सुन के मन में एक तरह से वैराग्य उत्पन्न होता है कि जीवन दुखमय है। ऐसे दुखमय जीवन में क्या परिवार संसार धन संपत्ति लेके जीऊं, इससे अच्छा सभी चीज छोड़ छाड़ के संन्यास बनो, दुख मुक्ति के मार्ग पे चलो। भगवान हमें ऐसा उपदेश ना दे, हमें परिवार भी चाहिए, हमें संसार भी चाहिए, हमें धन संपत्ति भी चाहिए, सब चाहिए। कृपा करके ऐसा उपदेश दे कि कार गृहस्थ में रह के भी हम सुख शांतिपूर्वक रह सके। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ठीक है कहते हुए यही पंचशील का ही उपदेश देते हैं। बुद्ध पूछते हैं, ये गांव में चोरी करने हिंसा करने वाले व्यक्ति है क्या? सब लोग कहते हैं ऐसे लोग बहुत है। बुद्ध पूछते हैं, हिंसा करने वाले व्यक्ति पसंद है क्या? सब लोग कहते हैं भगवान पसंद नहीं है। बुद्ध पूछते हैं, अगर हिंसा करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है तो आप लोग ऐसे काम करते हैं कि नहीं, हिंसा करते हैं कि नहीं, किसी को मारते हैं कि नहीं? तो सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और नीचे देख के बैठते हैं। बुद्ध कहते हैं, अत्तानं उपमंकत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो, न हनेय न खातेय, किसी को भी हिंसा मत करो, दुख मत दो, अपने आप को उदाहरण पे रखो। हमें हिंसा करने वाले दुख देने वाले लोग पसंद नहीं, तो हम ऐसे काम करेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। तथागत बुद्ध पूछते हैं, इस गांव में चोरी करने वाला है क्या? भगवान बहुत है। काम मिथ्याचार व्यभिचार करने वाला है क्या? भगवान ऐसे लोग भी बहुत है। झूठ बोलने वाला है क्या? भगवान झूठ बोलने वाले भी है। नशा पता सेवन करने वाला है क्या? भगवान ऐसे लोग भी बहुत है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसे लोग पसंद है? नहीं। अगर हमें पसंद नहीं तो हमें भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए। चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पता सेवन मत करो। बुद्ध कहते हैं, अगर जीवन में ये पांच सील भी अच्छे से पालन किया तो घर गृहस्थ में रह के भी, परिवार समाज में रह के भी सुख शांतिपूर्वक रह सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? ये पांच सील को अच्छे से पालन करना है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। बोले साधो साधो साधो। और एक प्रसंग आप लोगों को बताता हूँ। तथागत बुद्ध के समय में 500 भिक्षु
भगवान बुद्ध से कर्म स्थान भावना विधि या दुख से दुख मुक्ति तक का मार्ग जान के बुद्ध से अनुमति लेते हैं, भगवान हम दूर गांव में जाके वर्षावास रह के ध्यान करना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं ठीक है जाओ। 500 भिक्षु दूर गांव में जाते हैं, ऐसे एक गांव जिसके नजदीक जंगल जैसा, वहाँ पेड़ के नीचे ध्यान भी कर सकते हैं और पिछातन के लिए गांव भी है। चलो ये गांव ठीक है करके वो लोग वहीं बैठते हैं। जब वो भिक्षुगण अभी पेड़ के नीचे ध्यान करने लगे तो वृक्ष में रहने वाले जो वृक्ष देवता वो शील के प्रताप से ऊपर नहीं बैठ सके तो नीचे नीचे ही बैठना पड़ा। उन लोगों को लगा अब कुछ समय रहेंगे चले जाएंगे, मगर एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, वापस ही नहीं गए। तो वृक्ष देवताओं को लगा अरे ये भिक्षुगण अभी जल्दी नहीं जाएंगे और इतना समय तक हम नीचे बैठ के दुख कष्ट तो नहीं झेल सकते, तो क्या करेंगे, चलो अभी सारे भिक्षुओं को यहाँ से भगाएंगे। अब कैसे भगाना, तो अनेक तरह से उन लोगों ने डरावना डरावना रूप दिखाने लगा। कोई तो डरावना एकदम आवाज निकालने लगा, कोई तो तेज तेज गंध फैलाने लगा। अभी ध्यान बैठ रहे भिक्षुओं को ऐसे आवाज आने से, ऐसे गंध आने से आंखें खोल के देखते तो इतना डरावना दृश्य देखने से ध्यान भी नहीं बैठ पा रहे। मन बेचैनी हो गया, मन में डर हो गया तो ध्यान ही नहीं कर पा रहे। तो सारे भिक्षुगण जब जमा होके कैसे ध्यान चल रहा है ऐसे बात कर रहे तो सभी जन हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, हमें ऐसा सुनाई दे रहा है, हमें ऐसा गंदा आ रहे, ऐसे ऐसे बात हो गया। तो जो ज्येष्ठ बनते हाँ मुझे भी कहूँ क्या कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है तो अब क्या करे, तो यहाँ तो हम नहीं बैठ सकते, ये तो बहुत डरावना जगह है, हमें वापस जाना चाहिए। हाँ ठीक है, 500 भिक्षु वहां से वापस गए। भगवान बुद्ध के पास जाके वंदना करते हैं तो भगवान बुद्ध पूछते हैं भिक्षु क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, ऐसे समय के बीच में मतलब समय न होते ही ऐसे बीच में ही कैसे आ गए। तो भिक्षुगण कहते भगवान हम जिस जगह पे ध्यान करने के लिए बैठे थे वो इतना डरावना ऐसे ऐसे रूप दिखाई देता था, ऐसे ऐसे गंध आता था, ऐसे ऐसे डरावना शब्द आता था, हम वो जगह छोड़ के आ गए। तो भगवान बुद्ध ध्यान करके देखते हैं जगह तो अच्छा है पर वो जो मार आया वो मार को भगाया तो ये भिक्षुओं को ध्यान करने के लिए उससे अच्छे जगह दूसरा नहीं मिलेगा। तो भगवान बुद्ध कहते भिक्षुगण आप लोग वहीं जाके ध्यान करो वो बहुत अच्छा है। सारे भिक्षुगण कहते भगवान हम वो जगह नहीं जा सकते, बहुत डरावना है। भगवान बुद्ध कहते डरो मत, मैं आप लोगों को एक परित्राण सिखा के भेजता हूँ। ये परित्राण पाठ सुबह शाम करो, जब जंगल में जाते तब भी करो, कोई भी ये विघ्न बाधा नहीं आएगा। तो भगवान बुद्ध सिखाते करणीय मत कुशले न यंतं संतं पदं अभिसमेच सको उजूच सुजूच सुवचोच समुद्व अनतिमानी। ये जो करणीय मित सुत वो सिखाते हैं, जो हमने अभी परित्राण पाठ भी किया वो मित सुत सिखाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा है तो ठीक ही होगा करके 500 के 500 भिक्षुगण वो परित्राण सीख के वहाँ चला गया। जंगल में जाते जाते भी वही परित्राण करते करते गए, वहाँ बैठते समय भी सुबह शाम और जब भी डर लगे वो परित्राण करके बैठे। वो तो मित्र सुता सभी के प्रति असीम मैत्री करुणा रखना, तो वो भिक्षुओं के मैत्री देख के वो वृक्ष देवता कैसे भी भंते लोगों को भगाना है भगाना है भगाना है ऐसा चल रहा था। बाद में उनका मन भी इतना शांत हो गया, सारा बेचैनी दूर हो गया और भिक्षुओं को भगाना तो क्या उल्टा जो उन लोगों से बनता है वो सेवा करके बैठा, शांति से बैठा और कोई विघ्न बाधा नहीं आए। तो भिक्षुओं का ध्यान भी बहुत
बहुत अच्छे से हो गया और ध्यान करते 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 सारे विकारों को निकालते 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 सारा क्लेश को खत्म करते करते सभी दुखों से मुक्त अरंत भी हो गया, निर्वाण भी प्राप्त हो गया, जीवन सफल हो गया, जीवन धन्य धन्य हो गया। तो ये है मैत्री सूत्र का प्रभाव। इस तरह तथागत बुद्ध ने अनेक समय में अनेक अनेक प्रभावकारी परित्राण पाठ का देशना दिया है, तो वही परित्राण पाठ हम आशीर्वाद के रूप में सुनते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। मगर एक बात यह है कि जीवन में कभी भी केवल आशीर्वाद प्राप्त करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें आशीर्वाद भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। कोई व्यक्ति सिर्फ मेहनत ही करता है, मेहनत ही करता है, मेहनत ही करता है, गढ़े की तरह मेहनत ही करते रहेंगे पर सही आशीर्वाद नहीं मिला तो उसका मेहनत फलीभाप भी नहीं होता। और कोई व्यक्ति आशीर्वाद ही लेंगे, आशीर्वाद ही लेंगे, आशीर्वाद ही लेंगे, बस हमें आशीर्वाद है ना, और मेहनत कुछ भी नहीं करेंगे तो उसको भी कुछ भी फलीभाप नहीं होता। तो हमें सही रूप से मेहनत भी करना है और सही आशीर्वाद भी प्राप्त करना है। ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग से हमारा मन बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ऊर्जामय होता है, और कुछ भी करेंगे तो खूब अच्छे से कर पाते। पढ़ने वाले खूब अच्छे से पढ़ना, काम करने वाले खूब अच्छे से काम करना, ध्यान करने वाले खूब अच्छे से ध्यान देना, हर चीज़ में अच्छा कर पाते हैं। इसलिए आशीर्वाद भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। सिर्फ मेहनत करके सफल होगा या सिर्फ आशीर्वाद लेके सफल होगा ऐसा नहीं होता, दोनों साथ ही साथ में रहा तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है, फलीभाव होता है। तो उपासक उपासिका, हमें भी जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद भी लेना है और बुद्ध का अनुसरण, धम्म का अनुसरण, संघ का अनुसरण करते हुए मेहनत भी करना है, परिश्रम भी करना है और धम्म को आचरण व्यवहार में पालन भी करना है। दोनों साथ साथ में चलेंगे तो खूब कल्याण होगा, नहीं तो हम ऐसे आशीर्वाद नहीं लेंगे। मैं ध्यान तो कर रहा हूं ना, मैं ये ग्रंथ तो पढ़ रहा हूं ना, आशीर्वाद भी लगता है, मेहनत भी लगता है, ये ध्यान में रखिए। तो हम यही काम ना करते, हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने, पालन करें और व्यवहार में खूब अच्छे से आचरण करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं, साधु साधु साधु, बुद्धं नमामि। आवाज आवाज, बुद्धं नमामि, तम्मं नमामि, संगं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। मुझे साधु 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 आनंद सत्ताय श्रीलंग सर्वदा पावना देवता उन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्य बुद्धा बल पत्ता प्रत्येकानंद बल अरंतानंद देवेन Thank you.
डबल डेट मोर स्टेटी ही डबल डेट हां ही बड़े बहिणी आणि हा ही मामाची शायद होती आपल्या घरी पोस्ट घे जिसको पूजा करना है पूजा कीजिए जिसको हाथ में बांधना है बांधिए तू काय करते माता अरे एमएससी झालं एमएससी हो एमएससी वो विषय केमिस्ट्री हां ऑर्गेनिक फोटो काढायला पाहिजे का काय रन वरती से करून फोटो काढायला पाहिजे का पडते चांगले तर बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ तम्मं नमामि तम्म को नमन करता हूँ संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ